अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने यहाँ पर YT स्टूडियो ओपन है। यहाँ पर ये YT स्टूडियो मैंने इसलिए ओपन की हैं ताकि मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखा सकूँ और आप बात को स्टार्ट से सही तरीके से समझ सकें कि वीडियो पर व्यूज़ किस तरह से आते हैं, कौन से ट्रिक्स से आते हैं, कौन से फार्मूलों को यूज़ करके हम व्यूज़ ला सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो इस पर व्यूज़ मुसलसल ऐड हो रहे हैं, हर सेकंड के बाद इस पर व्यूज़ आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और अगर आप 48 घंटों का इसका एनालिटिक्स देखते हैं तो भी इस पर व्यूज़ आ रहे हैं। और अगर आप एक घंटे का यानी पिछला जो एक घंटा गुजरा है उसका अगर आप एनालिटिक्स देखते हैं तो भी इस पर व्यूज़ ऐड होते जा रहे हैं। आखिर ये व्यूज़ क्यों आ रहे हैं दोस्तों, इसमें कौन सा ट्रिक यूज़ हुआ है जिसकी वजह से ये व्यूज़ मुसलसल इस वीडियो पर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखें, बात आसान सी और शॉर्ट है। वजह ये है कि ये वीडियो सही तरीके से YouTube पर अपलोड हुई हैं, जिसकी वजह से ये वीडियो टारगेटेड ऑडियंस यानी जो लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं उनके पास पहुँचती हैं, और जब पहुंचती हैं तो वीडियो उनकी मतलब की होती हैं, वो लोग वीडियो को फुल वॉच करते हैं। तो इस फुल वॉच करने की वजह से क्या होता है दोस्तों कि ऑडियंस रिटेंशन बढ़ती हैं, जिसकी वजह से वीडियो रैंक कर जाती हैं और करते करते वीडियो वायरल हो जाती हैं और फिर इसी तरह से हर एक एक सेकेंड में व्यूज़ आते हैं। तो दोस्तों अगर आप गलत तरीके से वीडियो अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो क्या हो जाएगा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, यानी धक्के खा कर वापस आकर रुक जाएगी और आप जो हैं ट्रिक्स और टिप्स को ढूंढते ढूंढते तक जाएंगे मगर व्यूज़ नहीं आएंगे। उसकी वजह यही होगी कि आप अपनी वीडियो को गलत तरीके से YouTube पर अपलोड कर चुके होंगे। तो इस गलत तरीके की वजह से YouTube का जो सॉफ्टवेयर है, जो एल्गोरिदम है, वो समझ नहीं पाएगा, कंफ्यूज रहेगा कि इस वीडियो को आखिर किन लोगों के पास रेफ़र करना है, कौन से व्यूवर्स के पास भेजना है जो इस वीडियो को देखेंगे। तो इस कंफ्यूजन का नतीजा ये निकलेगा कि आपकी वीडियो जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी और व्यूज़ रुक जाएंगे। कभी कभार 10-20 व्यूज़ आ जाते हैं लेकिन फिर भी ये व्यूज़ आना बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर तरीका, सही तरीका गाइड करने वाला हूं कि आप किस तरह से प्रॉपर तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर यानी मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आप लोगों को सारी चीज़ें स्टार्ट से, बिल्कुल स्टार्ट से वीडियो अपलोड करके उसका जो पूरा तरीकाकार है वो समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले काइंडली अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा जो चैनल है ये भी न्यू चैनल है। इससे पहले मैं एक और चैनल पर था जिसका स्क्रीन शॉट यहाँ पर आप ये देख लें, इस पर मैं काफ़ी अरसे तक काम कर चुका हूँ लेकिन बदकिस्मती से ये चैनल जो है फ्रेंड्स ग्रो नहीं हुआ। इसलिए अभी मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि आप ये चीज़ें अभी से बुनियाद से सीख लें ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा दोस्तों, अब हम यहाँ मोबाइल की स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर हमने क्या करना है फ्रेंड्स के सबसे पहले तो हमने अपना YouTube एप्लीकेशन जो है उसको यूज़ कर लेना है। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि तरीका सबका सेम होता है लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका हम लोगों को नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमारी वीडियो जो है वो गलत तरीके से अपलोड हो जाती हैं और व्यूज़ का आना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर जनाब आपने क्या करना है कि ये जो YouTube का एप्लीकेशन है इसको ओपन करके सबसे पहले आपने अपना जो Gmail ID है YouTube के अंदर जिस पर आप वीडियो अपलोड करने वाले हैं यहाँ पर उसको चेक कर लेना है, क्योंकि कभी कभार गलत Gmail ID पर जो है आपकी वीडियो अपलोड हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों आपने करना क्या है कि ये जो सर्च बार है ऊपर का इसको ओपन कर देना है और जो भी आपका टॉपिक है यानी जिस चीज़ पर आप वीडियो बनाकर अपलोड करने वाले हैं आपने उसी चीज़ को यहाँ पर सर्च कर देना है। यहाँ पर आप जो भी सर्च करेंगे वो आपके सामने इस पेज पर ओपन होके आ जाएगा। फिलवक्त चूंकि मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड करने का तरीका सिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब। जैसे मैं ये यहाँ पर लिख देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें लोग YouTube पर आकर सर्च करते हैं वो पूरी की पूरी आप लोगों के सामने यहाँ पर शो हो चुकी है। तो करना क्या है जनाब कि ये चीज़ें जो हैं ये हमने यूज़ करनी है, इस वाले पेज को हमने यूज़ करना है टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स के अंदर।
तो हमने यहाँ पर इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेनी है और स्क्रीनशॉट ले लेने के बाद जनाब हम यहाँ से जाने वाले हैं बैक। बैक जाकर हम अपने फ़ोन के अंदर नोट जो हैं उसको ओपन कर देंगे और यहाँ से न्यू नोट ओपन करेंगे और वो जो स्क्रीनशॉट हैं जनाब जो हम अभी अभी यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आए हैं इस वाले को यहाँ पर ओपन कर देंगे और ये सारा जो भी इसके ऊपर जितनी चीज़ें लिखी हैं ये सब हमने यहाँ पर नोट पर लिख देनी है, नोट कर देनी है। ये कर देने के बाद जनाब मैं यहाँ पर पहले से ये चीज़ें नोट करके रख चुका हूँ, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब, ये इसका टाइटल है और ये जो है जनाब इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये पूरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये कर देने के बाद दोस्तों आपने फिर से बैक जाना है और बैक जाने के बाद जनाब अली आपने फिर से यूट्यूब ओपन कर देना है और इस बार आपने क्या करना है कि ये जो यहाँ पर आपको प्लस का निशान दिख रहा है सिंपली आपने इसी के ऊपर कर देना है क्लिक और यहाँ से आपने दूसरे नंबर पर यहाँ पर इस वाले पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्टली अपनी गैलरी के अंदर पहुँचते हैं और यहाँ पर आप उस वीडियो को ढूंढ लेंगे जिसको आप अभी अपलोड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाने के लिए यहां से एक वीडियो पिक कर लेता हूं और उसके बाद जनाब ये वीडियो जो है यहां पर आ चुकी है और यहां से हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट कर देने के बाद जनाब आप एक बात याद रखिएगा कि यहां पर आप इसको अनलिस्टेड रखेंगे और अगर आप चाहें तो यहाँ से ये जो बिल्कुल कोने पर आपको एक निशान दिख रहा है ये है थंबनेल का, तो आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली गैलरी में पहुंच जाएंगे और आप फिल वक्त यहां से इस पर थंबनेल लगा लें, इसलिए कि बाद में आपको याद रहेगा कि ये वाली वीडियो है जो मैंने अपलोड की है। तो यहां पर जनाब आपने क्या करना है कि इमेजेस पर क्लिक करके यहाँ से मैं पिक्सल लैब पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसका जो है दोस्तों यहाँ से हमने थंबनेल सिलेक्ट कर लिया और यहाँ ऊपर वाले कोने पर यहाँ राइट कॉर्नर पर आप देख सकते हैं यहाँ से हम इसको कर देते हैं डन। तो डन करने के बाद दोस्तों ये थंबनेल इसके ऊपर लग चुका है। अब हमने करना क्या है कि यहाँ से इसको अनलिस्टेड रख कर यहाँ से हम जाएंगे बैक और ये जो लास्ट में आपको अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से सिंपली हम कर देंगे अपलोड। यहाँ पर फिल वक्त हम जो हैं मज़ीद कोई काम नहीं करने वाले। एक बात और नोट फरमा लें कि ये जो है यहाँ पर ऐड टू प्लेलिस्ट, अगर आपके पास कोई प्लेलिस्ट है यूट्यूब से रिलेटेड या जो भी आप वीडियो बना रहे हैं जिस चीज़ में अगर आप इसको प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्टली ये देखें यहाँ से YouTube कोर्स 2023 ये मैं यहाँ पर प्लेलिस्ट बना के रख चुका हूँ पहले से, तो आप भी यहाँ पर प्लेलिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं इस तरीके से और फिर आप इसको यहाँ से कर देंगे डन। तो यहाँ पर दोस्तों आपने थंबनेल लगाया और इसको जो है प्लेलिस्ट के अंदर ऐड करके यहाँ से हम सिंपली कर देंगे अपलोड पर और जब हम इसको अपलोड पर लगा देंगे तो यहाँ से मैं इस वीडियो को ज़रा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इसलिए कि टाइम बच जाएगा और उसके बाद जनाब हम यूट्यूब को क्लोज करके हम जाएंगे YT स्टूडियो के अंदर। यहाँ से हमें जाना होगा बैक और बैक जाकर हम जो है यहाँ से YT स्टूडियो कर देते हैं ओपन। इसको ओपन कर देने के बाद जनाब यहाँ पर ये एक ऑप्शन है कंटेंट का, तो सिंपली आप इसी के ऊपर कर देंगे क्लिक और क्लिक कर देने के बाद वो वीडियो जो वहाँ से अपलोड हो रही है वो यहाँ पर आ चुकी है और उसका थंबनेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंपली आपने उसी वीडियो के ऊपर कर देना है टच और टच कर देने के बाद यहाँ पर एक पेंसिल का निशान है तो जनाब अली आपने इसी के ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये है टाइटल और इसके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन। ये जो टाइटल है दोस्तों मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने इस वाले टैब को यहाँ पर क्लोज करके आपने जाना होगा नोट पर और नोट पर जाकर जनाब अली आपने ये जो है इसका टाइटल यहाँ से कॉपी करके, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, आप भी इसी तरह से कॉपी करके इसको ले जाएंगे जनाब यहाँ पर और यहाँ पर आप इसको कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आप अपनी टाइटल को शॉर्ट कर देंगे क्योंकि टाइटल जितनी शॉर्ट होगी इतना ही अच्छा होगा और टाइटल के अंदर आपने वो वाले वर्ड यूज़ करने हैं जो सर्चेबल हों, जिसको लोग यूट्यूब पर आकर सर्च करते हैं, आपने फजूल की टाइटल नहीं लिखनी।
ये कर देने के बाद जनाब ये जो बिल्कुल एंड पर हैं यहाँ पर आप अपने चैनल का नेम लिख सकते हैं और उसके बाद जनाब आपने क्या करना है कि इसी तरीके से आपने बैक जाना है और इस दफ़ा आपने यहाँ से डिस्क्रिप्शन जो है जनाब वो आपने कॉपी करके यहाँ पर, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, आप भी इसी तरह से कॉपी करके यहाँ से जो है जनाब इसको ले जाएंगे यहाँ पर और यहाँ आप कर देंगे इसको पेस्ट। पेस्ट कर देने के बाद यहाँ पर आपकी डिस्क्रिप्शन आ चुकी है और इसी तरह से आपका जो है टाइटल भी लग चुका है। अब आपने क्या करना है दोस्तों कि यहाँ से नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपकी वीडियो बच्चों के लिए है तो आपने यहाँ पर यस कर देना है और अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स ये कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपने इसको फिल वक्त पब्लिक नहीं करना, इसी तरह से अनलिस्टेड रख देना है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपने यहाँ करना क्या है। बिल्कुल एंड में अगर आप जाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आप इस एरो पर क्लिक करके यहाँ से ऐड टैग्स पर क्लिक कर देंगे और वो वाले टैग्स जो आप यहाँ पर, ये आपने जो स्क्रीन शॉट ली थी आपने सेम इसी तरीके से ये वाले टैग्स यहाँ पर लिख देने हैं और यहाँ जैसे मैं लिख देता हूँ हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन YouTube, जैसे मैं ये लिख देता हूँ तो उसके बाद मैं एक कॉमा लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक एक टैग बन जाएगा। इसी तरह से आपने वो पूरी पेज यहाँ पर लिख देनी है और लिख देने के बाद आपने इस वाले एरो से बैक जाना है। यहाँ से जब आप बैक जाएंगे दोस्तों तो आपने क्या करना है कि इस वाले ऑप्शन से आपने इसको कर देना है सेव, तो मैं इसको कर देता हूँ सेव। जैसे ही ये वीडियो सेव हो जाती हैं दोस्तों तो आपने यहाँ से इसको अनलिस्टेड रखा हुआ है और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी इस पर कोई नहीं है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपने कम से कम 24 घंटे के बाद पब्लिक कर देनी है, यानी ये वीडियो आप फिल वक्त पब्लिक नहीं करेंगे, इसलिए कि अगर आप अपनी वीडियोज़ के अंदर किसी के पिक्चर को या किसी की वीडियो का कोई क्लिप यूज़ करते हैं या किसी ऑडियो यानी सॉन्ग्स को यूज़ करते हैं तो उससे आपको यहाँ पर कॉपीराइट का रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। तो आपने क्या करना है कि 24 घंटे तक वेट करना है, इसलिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई स्ट्राइक या कुछ भी हो जाता है आपकी वीडियो के साथ तो आप उसको आसानी के साथ एडिट कर सकते हैं, वीडियो को डिलीट कर सकते हैं, यानी वो जो कॉपीराइट का कोई क्लेम आया होगा आप उसको रिमूव कर सकते हैं। और अगर आप पब्लिक कर देंगे डायरेक्टली और उसके बाद आप उस वीडियो को डिलीट करेंगे तो आपका जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, बड़ा मसला ये होगा जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर भी बार बार होता रहा, यानी आपकी वीडियो अगर आप डिलीट कर देते हैं तो आपका चैनल ऑटोमेटिकली डाउन होना शुरू हो जाता है और आपका चैनल ग्रो नहीं करता, वायरल नहीं होती आपकी कोई वीडियो। उसकी मेन वजह ये होती है कि हम लोगों को स्टार्ट में इन चीज़ों का नहीं पता होता, तो इसलिए जब आप इसको अनलिस्टेड रखेंगे तो अगर कोई मसला हो जाता है तो आपको यहाँ से पता चल जाता है। जी तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, इस वीडियो में जितना मुझसे हो सका मैंने आप लोगों को समझाया, स्टेप बाई स्टेप गाइड किया और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बिल्कुल सही तरीका है और इसी तरीके से अगर आप अपनी वीडियो को अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो पर जरूर व्यूज आएंगे। दोस्तों मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।